तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस देखो, सुबह सुबह मैंने कर ली पूजा, बंदरों की आवाज़ आ गई। वो रे बंदर जी महाराज, वो देखिए, ये देखिए, देखो छोटा सा बाबू बंदर का, और ईवी से देख रही है पर कुछ नहीं कर पाएगी ईवी। और ये देखो ईवी भी देख रही है, ईवी ये देखो, तो ये देखो ईवी भी देख रही है पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपस में। अब उसकी मम्मी आ गई, ये देखो ईवी भी गई, बस ऊँ करती रहेगी और कुछ कर नहीं पाएगी। तो गाइज अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि रात को हमारा हो चुका था कूलर, देखो ख़राब अभी भी बंद पड़ा है। और आज कूलर में तो पानी डालना नहीं है, उसकी मोटर फूक गई। पता है क्यों? क्योंकि लाइट आ रही, लाइट जा रही। कल रात भर लाइट ने बहुत परेशान करा, मोदी नगर की लाइट ने भाई बहुत ज़्यादा परेशान करा। और क्या कहते हैं भाई, लाइट आ रही, लाइट जा रही, उसी दौरान हम लोगों की लग जाती है सबकी आँख। फिर उसके बाद लाइट आती है तो वो, उसके बाद लाइट आती है ना तो भाई वो कूलर की पंखी नहीं चली, वो फूक गया। पता नहीं 10 मिनट चला, पता नहीं क्या हुआ, और पंखी चली नहीं, वो फूक गया कूलर। पूरी रात भर गर्मी में सोए, अब उठी हूँ। अभी मैं मंदिर गई, मंदिर में हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ी, और चाय मेरी हो चुकी है। थोड़े से मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे चाय के लिए, क्योंकि भाई हमारी टंकी नहीं है ना, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अभी लाइट अब आ रही है, जा रही है, और चाय पीने के लिए बना रही हूँ। बर्तन देखो सारे जूठे पड़े हैं बर्तन। आती हूँ फिर रसोई में आती हूँ। चाय रखनी बर्तन मेरा धोने का दिल करता है कि धो दी। अदरक मिल गया रे, अदरक मिल गया ना, इसी दौरान मुझे अदरक मिल गया। बहुत रायता फैला रहा है, कूड़े वाला आ गया। ये देखिए चाय मेरी फटक गई।